हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन जिसमें बोला गया है राइट एनी फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म में है, ये आपको पता होगा जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके मेन खास चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे गुण, उसकी विशेषताएं क्या है, क्या खास है उसमें, आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान है जिसमें देश को चलाने के रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज लिखे होते हैं वो बेसिकली रिटन है, लिखा हुआ है, और रिजिड मतलब कि कड़ा है। यानी अब देखिए, क्योंकि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ चीजें लिखी हुई है और उस लिखे हुए के रूप में वो कड़ा भी है, कौन से गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कितने पावर दिए गए हैं, हर एक चीज लिखी हुई है, जो कि फेडरल फॉर्म की बहुत ही बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आगे वही बोला गया कि इस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है डिविजन ऑफ पावर, पावर मतलब ताकतें, शक्तियां जो है वो डिवाइड है, किस किस के बीच में, ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो यहाँ पे ये क्लियर है स्टूडेंट्स कि जो पावर्स का डिवीजन है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया गया है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, इसके अलावा इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इन पावर्स को डिवाइड किया गया है तीन लिस्ट में, अलग अलग लिस्ट है इसकी, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको कि हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इन डिटेल पे इस पे नहीं जाऊंगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, जो कि पनिश करती है अगर कोई रूल या लॉ ब्रेक करता है तो उस जुडिशियरी को आजादी है, इंडिपेंडेंस है। मतलब क्या है कि यहां पे जुडिशियरी को इंडिपेंडेंस देना, न्यायपालिका को स्वतंत्रता देना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, किसमें, फेडरल गवर्नमेंट में। यानी कि बोल सकते हैं हम ये कि फेडरल गवर्नमेंट में जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है, वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, तो जुडिशियरी जो इंडिपेंडेंट है यही सबसे बड़ी खास बात है फेडरल गवर्नमेंट की। इसके अलावा इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस जरूरत को फुलफिल करता है, यानी पूरा करता है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीजों को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सही है और जो अप्लाई नहीं करेगा, जो नहीं मानेगा, उसको पनिश किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, और यही काम है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन, ड्यूअल मतलब दो चीजें रिप्रेजेंट होती है, कैसे, यहां बोला गया है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो स्पेशल फीचर है वो है ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन, है ना, दो तरीके का निर्धारण, कैसे कैसे, जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, लोकसभा, तो जो लोअर हाउस है यानी कि लोकसभा है वो रिप्रेजेंट करता है, वो दिखाता है, वो बताता है किसके बारे में, इंडिया के सिटीजन्स के बारे में, यानी कि इंडिया के नागरिकों को जो रिप्रेजेंट करता है वो है लोकसभा। इसके अलावा जो अपर हाउस है यानी कि जिसको राज्यसभा बोलते हैं, तो अपर हाउस या राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंट करता है हर एक स्टेट को, हर एक राज्य को, इसलिए इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेट किया गया है, बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यूअल गवर्नमेंट्स, यानी कि दो टाइप की गवर्नमेंट्स है, कैसे, देखिए जो इंडियन यूनियन है, यूनियन का मतलब क्या है, जो इंडिया का जो समुदाय है, जो संघ है, वो दोनों ही टाइप के गवर्नमेंट्स को अप्रूव करता है। दो गवर्नमेंट्स कौन से, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पे एक नया वर्ड आ गया यूनियन, आप चाहो तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, तो यूनियन गवर्नमेंट इज व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपको पता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। ओके, और उसके अलावा यहां पे लेजिस्लेचर भी है जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, तो लेजिस्लेचर ऑफ पीपल भी है, यानी कि पार्लियामेंट क्या होता है मैंने बताया था, लेजिस्लेचर क्या होता है, जहां पे लॉज बनाए जाते हैं। ओके, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, और उस एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पीपल भी होता है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसीलिए इन अरेंजमेंट्स को यहाँ पे ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला गया, जो कि
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।